Ciao. Io sono Hamza Rajput. Hello everyone, assalamu alaikum. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर में आपको इटालियन अल्फाबेट्स के बारे में बताया जाएगा कि इटालियन अल्फाबेट्स को आप कैसे बोल सकते हैं और ये कितने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुँच सके और आपको उससे फायदा उठा सके। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो से इटालियन अल्फाबेट्स हैं वो हैं 21। टोटल जो से अल्फाबेट्स हैं 21 हैं। उनमें से 5 जो से हैं वोवल्स हैं और 16 जो से हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। ए आई ओ यू ये जो से हैं ये 5 वोवल्स हैं और 16 रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने 5 जो से अल्फाबेट्स हैं इन पर मैंने सर्कल किया हुआ है। तो जिस पर हमने सर्कल किया हुआ है ये नॉन प्रॉपर अल्फाबेट्स हैं, ये इटालियन लैंग्वेज में नहीं काउंट होते। लेकिन इन्हें लिखने का मकसद ये है कि आप इन्हें देख सकें कि इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं और इनसे कुछ, क्योंकि वर्ड्स वगैरह जो उनसे हैं वो इनसे बनते हैं, इन्हें हम लॉन्ग वर्ड्स के तौर पे या फिर फॉरेन वर्ड्स के तौर पे हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम इस पर यूज़ कर सकते हैं जैज, वीकेंड, जोगर्ट, तो ऐसे जो उनसे नाम वगैरह इन्हें हम किसी खास जगह पर हम यूज़ करते हैं। बाकी जैसे 21 अल्फाबेट्स हैं वही जो से मेन इनके इटालियन लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं। तो हम अभी जो से 21 अल्फाबेट्स हैं तो उन्हें हम देखते हैं कि कैसे हम उन्हें पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं इटालियन अल्फाबेट्स को हम इटालियन लैंग्वेज में लैफाबेटो इटालियनो कहते हैं। लैफा एल को हम इसके साथ ही ए के साथ जोड़ के हम पढ़ेंगे लैफाबेटो। लैफा एल जो से एक बार उनसे एल आ रहा है ये हो जाएगा साइलेंस, तो एल वाला जो से आना है ये फर्स्ट वाला एल, तो इसके साथ ही पढ़ा जाएगा लैफाबेटो। ये जो से इसके अंदर उनसे हम एक ही तरह पढ़ते हैं, इसमें आप नीचे जो से हैं अल्फाबेट्स में मैं बताता हूँ आपको भी। तो इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो है लैफाबेटो इटालियनो। तो जो से इसमें फर्स्ट जो सा अल्फाबेट्स है वो है ए। इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं ए, जबकि इटालियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम आ आ आ। प्रैक्टिस करें हम मेरे साथ ही, फिर ही आपको जो सा ये लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप सीख सकेंगे आ आ आ। इसे लिखेंगे कैसे हम ए आ आ, तो ठीक हो गई। और दूसरे जो अल्फाबेट है बी, इंग्लिश में भी हम बी पढ़ते हो, इटालियन लैंग्वेज में भी हम इसे बी ही पढ़ेंगे बी बी। तीसरा अल्फाबेट है ना जो सही है, थोड़ा सा फनी भी कह सकते हैं आप इसको, इसे पढ़ने में आपको मजा आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसे पढ़ते हैं सी, जबकि इटालियन लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसको छी छी। जैसे वो हमारी पाकिस्तानी माएँ कहती है कि बच्चे छोटे बच्चे को छी आया छी आया छी कर लो, वही वाला छी है इसमें नहीं। तो इसमें हम पढ़ेंगे छी 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 छी। प्रैक्टिस करें हम साथ ही, इसे लिखेंगे कैसे आपको जब मैं लिखूँगा इसे पता चल जाएगा छी। ये जो सा चीज वाला जो हम जैसे चीज कहते हैं ना वही वाला इसके अंदर छी है, ये छी। इस सी को हम पढ़ेंगे छी। फोर्थ जो अल्फाबेट आ गया इटालियन लैंग्वेज का वो है डी। इंग्लिश लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं डी, जबकि इटालियन लैंग्वेज में हम इसे पढ़ते हैं डी 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 आई डी आई को हम ई पढ़ते हैं आगे बढ़ते ई डी हो गया डी। फोर अल्फाबेट्स हो गए, फाइव अल्फाबेट्स जो हमारा आ गया ई। इंग्लिश में हम इसे ई पढ़ते हैं जबकि हम इटालियन लैंग्वेज में हम इसको ए पढ़ते हैं ए। ये फर्स्ट वाला ए नहीं है, ये ई वाला ए है। फर्स्ट वाला जो उनसे ए था उसे पढ़ता हूँ आ, ये ई वाला जो उनसे ना इस ए जो उनसे इसको पढ़ेंगे ए। ए ई को हम ए पढ़ेंगे ए। एफ को हम पढ़ेंगे इंग्लिश में हम एफ पढ़ते हैं, इटालियन पढ़ेंगे एफ ए एफ ए एफ ए। जी आ गया, इसको हम इंग्लिश में भी जी पढ़ते हैं, इटालियन लैंग्वेज में भी हम इसको जी ही पढ़ेंगे जी। अब ये एच आ गया, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं इसको एच, जबकि हम इटालियन लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं आह का आह का आह का। ए एच आह का आह का आह का आह का। प्रैक्टिस
पहले आई, इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं आई, जबकि इटालियन में ये होगा आई को हम पढ़ेंगे ई, ई ई आई को ई पढ़ेंगे हम। ये नेक्स्ट नोट्स आ गया जे, ये नॉन प्रॉपर में आ जाता है, इसको फिर भी मैं करके बता देता हूँ कि इसको हम कैसे ऐसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में हम जे पढ़ते हैं और इटैली लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे इलूंगा, 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 इलूंगा। पढ़ने में जो से हैं ये, देखने में जो से हैं, लिखने में जो से हमारे जो से ना ये अल्फाबेट्स जो से डेलिन के ये सेम इंग्लिश जैसे ही हैं, सिर्फ इनका जो सा साउंड है जब हम इन्हें बोलते हैं तो वो डिफरेंस है, तो ही हमें सीखने आती है इसमें। तो नेक्स्ट आ गया के, ये भी नॉन प्रॉपर है, तो के को हम इंग्लिश में तो के पढ़ते हैं जबकि इटैलियन में होगा कापा, 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 कापा। नेक्स्ट आ गया एल, इंग्लिश में एल और इटैलियन लैंग्वेज में हम इसको पढ़ेंगे एल्ले, 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 ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हो गया एम, तो इटैलियन में हम इसको पढ़ेंगे एम्मे, 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 एम्मे। नेक्स्ट एन हो गया, तो इसको भी हम इटैलियन में पढ़ेंगे एन्ने, एन्ने, नेक्स्ट हमारा आ गया ओ, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ओ, जब हम इसको इटैलियन पढ़ेंगे ओ, 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 ये सेम ही है इंग्लिश की तरह ओ, पी भी सेम है, इसको हम इटैलियन में पढ़ेंगे पी, पी, क्यू रूम्स है ना, ये भी डिफरेंस है इसमें भी काफी आपको मजा आएगा। क्यू रूम्स है, इसको हम इंग्लिश में क्यू पढ़ते हैं या क्यों भी कोई पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे कू, 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 कू। कू, कू, कू। नेक्स्ट आगे आर, तो उसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे एर्रे, 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 एर्रे। नेक्स्ट एस आ गया, तो इसको भी हम पढ़ेंगे एस्से, एस्से, सॉन्ग वाला एसे, एसे, एसे। टी को हम पढ़ेंगे इटैलियन में टी, 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 टी। इंग्लिश में हम टी पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे टी, टी। यू को हम पढ़ेंगे ऊ, ऊ, डबल ऊ, ऊ, ऊ। वी आ गया, तो हम इटैलियन में वी को पढ़ेंगे वी ही पढ़ेंगे। और डब्ल्यू जोन है, ये भी नॉन प्रॉपर है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू को हम पढ़ते हैं दोपिया, वो दोपिया, वो दोपिया, वो डब्ल्यू को हम पढ़ेंगे दोपिया, वो। एक्स जोन से है, एक्स को हम पढ़ेंगे ईक्स, 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 ईक्स। वाई जोन सा है, इसको हम इटैलियन में पढ़ते हैं, ये भी नॉन प्रॉपर है, एक्स पी और ये वाई भी नॉन प्रॉपर इटैलियन अल्फाबेट्स है, तो एक्स को हम पढ़ेंगे इप्सिलोनी, 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 इप्सिलोनी। नेक्स्ट हमारे पास जेड आ गया, तो ये जो सा है, इसको हम इटैलियन लैंग्वेज में पढ़ेंगे जेता, 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 जेता। तो ये थे हमारे अल्फाबेट्स, इसमें जो सा है नॉन प्रॉपर फाइव अल्फाबेट्स है, जे, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये जो से फाइव अल्फाबेट्स हैं नॉन प्रॉपर है, और बाकी जो से थे वो थे इटैलियन अल्फाबेट्स, मेन प्रॉपर अल्फाबेट्स। तो हम इसे रिपीट कर देते कि हम कैसे पढ़ेंगे, ए आ, आ, बी, छी, छी, दी, ए, एफ,
लेक्चर में मज़ा आया होगा और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा काउंटिंग का, कि इटैलियन में जो से काउंटिंग नंबरिंग होती है उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अरविंद जी, गुड बाय।